हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक के एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीकैब के ऊपर। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सभी चीज़ों की जानकारी हो जाए, जो आपको किस लेवल पर ट्रेड करना है, क्या आपका ट्रेडिंग प्लान होने वाला है, क्या आपका होल्डिंग पीरियड होने वाला है, और हम लोग इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग अगर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपको लेवल्स भी मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए। तो चलिए अब जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि हम लोग लगातार इसी टाइप का एनालिसिस कंटेंट जो है चैनल पे डालते रहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो चार्ट जो है काफ़ी बेहतरीन है, आपको कंटिन्यू अपसाइड जो है ये चार्ट मोमेंटम कर रहा है, कहीं पर भी आपको यहाँ पर मेजर करेक्शन नहीं दिख रहा है। अपसाइड एक इम्पल्सिव लेग होता है, फिर आपको एक रिट्रेसमेंट लेग होता है, और इसी टाइप से आपको ये चार्ट जो है कंटिन्यू आपको अपसाइड जा रहा है। स्टॉक भी काफ़ी अच्छा, आपको अपने सेक्टर का जो है एक लीडर स्टॉक है, तो स्टॉक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले बात अपडेट दे दे, जो लास्ट टाइम जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था इस लेवल पर, हम लोगों ने डिस्कशन किया था जब ये 2000 के लेवल को ब्रेक किया था, यहाँ पर हम लोगों ने पोजिशन बनाया था, और उस टाइम में मैंने आपको यहाँ पे 2600 का टारगेट दिया था। ऑलमोस्ट ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो इस 2650 के लेवल तक जो है यहाँ पे आपको ये स्टॉक गया था, और उसके बाद जो है इस स्टॉक में एक अच्छा रिट्रेसमेंट उस लेवल से दिख रहा है, और स्टॉक जो है लास्ट के 5 सेशन से कंटिन्यू गिर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट लेके आया, फिर आपको मूविंग एवरेज के पास ही यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि नीचे की साइड से रिजेक्शन अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में रिजेक्शन इस लेवल पे काफ़ी अच्छा है। तो नीचे में 2100 का राउंड नंबर लेवल है, साथ ही साथ आपको इमिडिएटली यहाँ पे डायनेमिक सपोर्ट है मूविंग एवरेज, जो कि एक डायनेमिक सपोर्ट का काम करता है। तो स्टॉक जो है करंट प्राइस पे काफ़ी अच्छे लेवल पे है, और इससे पहले जितने भी लोगों ने आपको इस लेवल पर ट्रेड किया था वो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो हाँ आप लोगों ने यहाँ पर अच्छा एक मुनाफा कमाया। एक बार फिर से इस स्टॉक में हम लोग जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यू 5 डेज से फॉल हो रहा था। फॉल होने के बाद यहाँ पे जो है एक आपको डोजी कैंडल बनाया, और उससे पहले का जो कैंडल था यहाँ पे एक अच्छा नीचे की साइड से वीक आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर इस लेवल पर आपको इंटरेस्टेड है, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है डोजी कैंडल बना है, जो कि आपको एक रिवर्सल कैंडल माना जाता है। तो अब बस आपको वेट करना है। वेट किस बात का करना है, तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल यहाँ पे आप बनने दीजिए, या तो मे बी 1 से 2 दिन इसी रेंज में ये कंसोलिडेट कर सकता है। आपको एग्जैक्टली ट्रेड तब करना है जब आपको ये इस लेवल के ऊपर 2310 के ऊपर डेली चार्ट में क्लोजिंग दे दे। अगर 2310 के ऊपर आपको डेली चार्ट में यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, तो फिर जो है आपको यहाँ पे 1850 के स्टॉप लॉस के साथ, अगर 1850 के नीचे का डेली कैंडल क्लोज हो जाता है तो आपको ट्रेड एग्जिट करना है। लेकिन सबसे पहले एंट्री आपको 2310 के लेवल के ऊपर अगर डेली चार्ट क्लोज होता है तभी आपको एंट्री लेना है। अगर डेली चार्ट यहाँ पे डेली कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं होता है, स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो आप वेट कीजिए, स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, एक बार इसको ब्रेकआउट देने दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ये कंसोलिडेट इस लेवल पे करेगा, इससे पहले आप देखिए इस लेवल पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था 2000 के लेवल पे, तो उसके बाद मोमेंटम भी काफ़ी क्विक हुआ। सिमिलर उसी तरह से यहाँ पे जितना ज़्यादा ये आपको कंसोलिडेट करेगा उतना ही बेहतरीन आपको ब्रेकआउट होगा, और उतना ही क्विक आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको यहाँ पे वेट करना है, एक बार के लिए 2310 के ऊपर डेली चार्ट को क्लोज होने दीजिए। अगर डेली चार्ट 2310 के ऊपर क्लोज होता है तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली पोजिशन बनाना है। स्टॉप लॉस आपका होने वाला है 1850, तो ऑलमोस्ट जो है आपको 450 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट भी आपका ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का पहला टारगेट होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे भी ध्यान रखने वाली है, जो आप डेली चार्ट में ट्रेड करेंगे तो आपका यहाँ पे ट्रेडिंग पीरियड बड़ा होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 मंथ लगा आपको 2600 के लेवल को टच करने में, तो इसी तरह से 2 या 3 मंथ आपको यहाँ पे लग सकता है। साथ ही साथ दीपावली आ रहा है, और जो है आपको पता है दीपावली में लाइटिंग वगैरह के प्रोडक्ट्स ज़्यादा निकलते हैं, तो इससे इसलिए भी आपको पॉलीकैब यहाँ पे जो है एक लाइट में रहने वाला स्टॉक है अभी कुछ दिनों के लिए, तो आप यहां पे पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन पहले स्टॉक को 2310 लेवल के ऊपर क्लोज होने दीजिए,
और उसके बाद ही आपको यहाँ पे पोजीशन बनाना है। अगर डेली चार्ट क्लोज होगा तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा, तो आपको वहां से भी अपडेट मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लेवल्स को नोट डाउन कर लिए होंगे, लॉजिक आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।